चल रही है अभी और न्यूथ एसोसिएशन खेतराजपुर तिवारी के लिए ये हमको लग रहा है कि अगले बार हम 60 जो मनाएंगे बहुत अच्छी आकार में मनाएंगे और आगे आगे अगले साल इसे मूर्ति कहाँ कहाँ से ले गए मूर्ति ये बाहर से आया है इस बार मूर्ति रायपुर से आता है हमारा मूर्ति पंडाल कलकत्ता वाले आए हैं और हर साल डेकोरेशन चेंज करते रहते हैं जैसे अगली बार अमरनाथ था इस बार एक पहाड़ पर्वत का रूप देके भगवान को मानसरोवर टाइप में बनाए हैं जिससे लोगों को कुछ लगे कि यहाँ संबलपुर में अच्छी अच्छी चीज़ बन रही है। मैं मिंटू सांगोलिया न्यू यूथ एसोसिएशन तिवारी के लिए संबलपुर बहुत साल से हम लोग आप लोगों को देखते रहते हैं यहाँ सुबह से लेकर रात तक पूरा मेहनत करते 20-25 दिन पहले मेहनत कर लेते हैं इस बार कितने दिन से मेहनत कर रहे हैं हम लोग ये 1.5 महीना से लगे हुए हैं और हमने तिवारी के लिए एक फेमस ही है गणेश पूजा के लिए जो गणेश पूजा हम बचपन से बना रहे आज हमारा 59 साल हो गया हमको गणेश पूजा बैठाते हुए और हर साल हमने अलग अलग नए रूप में दिया पहले विशाल अमरनाथ यात्रा करवाए अब पवित्र मानसरोवर करवाए और हम आगे भी अपने संबलपुर की जनता को अच्छे से अच्छे रूप में गणेश प्रतिमा बैठा के संबलपुर की शान को बरकरार रखें। यहाँ पर लोग कहाँ कहाँ से आते हैं देखने के लिए आसपास अपना पूरा वेस्टर्न उड़ीसा से आते हैं जैसे आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं बरपाली संबलपुर बरगढ़ झारसुगड़ा से आते हैं यहाँ पे और हमारे अपने पवित्र मानसरोवर का दर्शन करके जा रहे हैं। मेनली कौन सा दिन में ज़्यादा भीड़ होता है ऐसे मेनली कल नुआखाई जुहार आप सबको नुआखाई के उपलक्ष्य में कल अपने यहाँ नुआखाई के उपलक्ष्य में बहुत ज़्यादा भीड़ होगा और 18 तारीख को हमने महाभोग का भी इंतजाम कर रखा है जो जिसमें सब आते हैं और श्रद्धा से हम लोग उनको प्रसाद वितरण करते हैं। धन्यवाद।